पीएस एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पीएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर चुके थे नव पाषाण काल, तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे और हम आज बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो साथ के साथ हम इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप सब कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए और कोई ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से निकले? सराय नहर, दमदमा, मैदहा, लंगनाज। ये अपने पास ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? दमदमा। दमदमा से क्या निकले? कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। दूसरा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किससे मिले हैं? लेखिया से। किससे मिले? लेखिया से। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये तो सबको याद होगा, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तीसरा है, कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से, पाषाण कांस्य और लोहो युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? किसने किया था त्रियुगीन विभाजन? ये किया था अपने थॉमसन ने। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? कौन से मध्य पाषाणिक में प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये है आदमगढ़ से। छठे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण हमें मैदहा से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थाई जीवन के प्रमाण मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कृषि के, अब कृषि के कहाँ से हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस एक पुराय स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है और इसका आंसर है मेहरगढ़ से। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? इसका एसडी साखलिया ने। ठीक है, एसडी साखलिया। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? ठीक है, किससे की गई है वृत्त पाषाण? ठीक, वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है? ये पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला। राख का टीला कहाँ से मिला है हमें? राख का टीला मिला है संगन कुल्लू से। कहाँ से मिला है? संगन कुल्लू। बी ऑप्शन इसका आंसर है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल शवदान से प्राप्त हुआ? किससे हुआ? तो इसका ऑप्शन है बी। कहाँ से? बुर्जहोम से। कुत्ते का कंकाल भी शवदान में से प्राप्त हुआ था। निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज की थी? ठीक है, निम्न पुरापाषाण अगर आप याद करना चाहो तो ठीक हो, लेकिन ये नेट के सिलेबस में नहीं है और किसी एग्जाम में ज़रूर काम आएगा। तो 15वें का आंसर है अपना डी एन वाड़िया। निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति का डी एन वाड़िया। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, किससे? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिणी भारत की। ठीक है, याद क्वेश्चन को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करके याद करो। अब 17वां क्वेश्चन है, ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग किससे संबंधित है? ब्लेड और ब्यूरिन, ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति से। ब्लेड और ब्यूरिन। सिन्हावल एक पुरास्थल है। सिन्हावल
कहाँ का पुरावस्थल है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति का, सिन्हावल एक पुरावस्थल कहाँ का? निम्न पुराव पूर्व पाषाण संस्कृति का, ए ऑप्शन इसका आंसर है। लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष माना जा विशेष ज्ञान होता है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति के काल मापन का, ठीक है। लंबत जो हम प्राकृतिक उत्खनन करते हैं तो उससे किसका पता होता है? संस्कृति के काल मापन का। तो इस तरीके से ये 19 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, इन सभी को याद कर लेना, और फिर कल से फिर दोबारा मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा, लगभग 20 के लमसम फिर से अपलोड करूँगा क्वेश्चन। तो दोस्तों जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।